होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बिकॉज आज मैं एक बहुत ही कॉमन एंड हर लड़के की जो प्रॉब्लम होती है वो है स्लिक पोनी टेल या पोनी टेल परफेक्टली नहीं बन पाती। जो हाई पोनी टेल हम बनाते हैं वो परफेक्टली नहीं बन पाती, हेयर जो है वो वॉल्यूमनेस नहीं दिखती, जो पोनी टेल है वो हमारे नीचे घिसक जाते हैं, तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं हमारे पोनी टेल्स के टाइम। तो आज मैं वही सारी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन दिखाऊंगी आप लोगों को बस तीन ही तरीके के अंदर। सो यस, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट दिस। वेल, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं सबसे पहले अपने पोनीटेल को बनाऊंगी। तो हाई पोनीटेल के लिए मैं यहाँ पे सारे बालों को कॉम्ब से अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी एंड देन अपने हाथों में सारे बालों को एक साथ ग्रैब करके टाइटली मैं एक ब्लैक रबर बैंड के मदद से अपने पोनी को सिक्योर कर लूँगी। आप चाहो तो ट्रांसफर रबर बैंड भी यूज़ कर सकते हो, बट आई प्रेफर ऑलवेज ब्लैक रबर बैंड, सो येस। अभी आप देख सकते हो मेरी पोनी टेल तो हो चुकी है, बट ये किसी भी एंगल से खूबसूरत तो लग नहीं रही है, एकदम नीचे के तरफ मतलब अटक गई है मेरी पोनी टेल। तो इसी को ठीक करने के लिए मैं अभी एक फर्स्ट ट्रिक अप्लाई करूँगी। मैं क्या करूँगी, बॉबी पिंस लूँगी एंड उसे अपने पोनी टेल के पीछे के तरफ वर्टिकली सेट कर दूँगी अपने रबर बैंड के साथ, उसे लगा दूँगी। तो ये कुछ इस तरह से सेट होंगे एंड ऐसे दिखेंगे। उसके बाद मैं इस बॉबी पिंस के ऊपर से अपने पोनी को पीछे के तरफ दे दूँगी। ये मेरे पोनीटेल के लिए एक स्टैंड के तरह काम करेंगे जो मेरे पोनीटेल को पीछे के तरफ जाने नहीं देंगे एंड बहुत ही एक सुंदर एंड प्रोफेशनल लुक देंगे मेरे पोनीटेल को। सो मूविंग टू आवर सेकेंड ट्रिक, सेकेंड ट्रिक के लिए मैं अगेन अपने पोनी को सामने की तरफ ले लूँगी एंड पीछे एक मीडियम क्लचर को सेट कर दूँगी मेरे रबर बैंड के साथ कुछ ऐसे। एंड इसके बाद अगेन मैं अपने क्लचर के ऊपर से अपने जो पोनी है उसे डाल दूँगी एंड ये भी वही काम करेंगी, मेरे पोनी टेल को नीचे की तरफ जाने नहीं देंगे एंड बालों को बहुत ज़्यादा वॉल्यूमनेस दिखाएंगे ये ट्रिक। अगर आप इसे अप्लाई करोगे घर पे तो आप देखोगे कि ये बहुत ही वॉल्यूमनेस दिखाते हैं आपके पोनी टेल को कुछ इस तरीके से। एंड नाउ दिस इज़ द टाइम ऑफ आवर थर्ड एंड आवर लास्ट ट्रिक ऑफ टूडेज वीडियो। उसके लिए मैं अपने बालों को ऐसे मिडल से मतलब पोनी टेल को ऐसे मिडल से डिवाइड कर लूँगी एंड फिर मैं ऊपर के हिस्से के जो डिवीजन है उसे सामने की तरफ ले जाऊँगी। ऐसे मेरे पोनी टेल में एक मिडल जो है वो पार्ट बन जाएंगे एंड उसी मिडल के हिस्से में मैं एक छोटी सी क्लचर को टक कर दूँगी। इसे टक करने के बाद मैं अपने ऊपर के जो पोनीटेल के हिस्से थे उसे पीछे की तरफ ले आऊँगी, अभी आप देख सकते हो। एंड इस ये भी मेरे बालों में वही काम करेंगे, ये एक थर्ड ट्रिक थी, इसे भी पोनीटेल बहुत ज्यादा वॉल्यूमनेस लगते हैं। सो गर्ल्स, दिस इज इट फॉर टुडे। आई रियली होप दैट यू ऑल एंजॉयड टुडेस वीडियो एंड आप लोगों को ये वीडियो आई रियली होप के बहुत हेल्प करने वाली है। प्लीज ये सारी तरीके अपने घर पे ट्राई करना अपने पोनीटेल के साथ एंड मुझे कमेंट करके बताना, बिल्कुल मत भूलना कि आप लोगों को ये ट्रिक्स एंड टिप्स कैसे लगे। सो यस गाइज, आई विल मीट यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टाइलिंग, कीप स्माइलिंग। Bye-bye.